नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राइस लाइट बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और वो भी घर पे बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप इस तरह का राइस लाइट बना पाएंगे। ये बहुत ही ड्यूरेबल है और बहुत ही सस्ते प्राइस में आपके घर पे बन सकता है। हमें लेनी है कुछ RGB लाइट्स। मैं यहाँ पे 100 RGB लाइट्स की चेन लाइट बनाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे 100 RGB लाइट्स ले रखी है। इन सभी RGB लाइट्स को हम एक एक करके चेक कर लेंगे। एक भी लाइट फॉल्टी होगी तो हमारी चेन लाइट वर्क नहीं करेगी। इन LEDs की लॉन्ग लेग पॉजिटिव होती है और शॉर्ट लेग निगेटिव होती है, तो शॉर्ट लेग को हम यहाँ पे बेंड कर देंगे ताकि हम इजिली याद रख सकें। इसी तरह से हमें सारे लेग्स को बेंड कर देना है, तो एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे लेग्स को बेंड कर लिया है। फिर हमें यहाँ पे लेना है वायर, तो मैं इसे लंबे समय तक यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपर वायर लिया है। आप चाहें तो सस्ते क्वालिटी का वायर, एल्युमिनियम वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी वायर्स को हम पहले सेपरेट कर लेंगे, रेड वाले को एक तरफ और ब्लैक वाले को एक तरफ। इन्हें सेपरेट करना एक लंबी प्रोसेस था, बट हमने इसे कर लिया है। अब ये ब्लैक वायर्स को हमें 6-6 इंचेस के लेंथ में कट कर लेना है। आप इसके लेंथ को थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे ब्लैक वायर्स को कट कर लिया है और ये 100 पीसेज हैं। इसके एक साइड को हमें क्लिपर की मदद से छील लेना है और इस पॉइंट को हमें LEDs के निगेटिव साइड के ओर जोड़ देना है। तो LED के निगेटिव पॉइंट की ओर हमें इस वायर को इस तरह से जोड़ लेना है। तो इसे अच्छे से हमें ट्विस्ट करना है ताकि ये बाहर ना निकले। आप इसे सोल्डर भी कर सकते हैं, बट ट्विस्ट करना ही ज़्यादा ईजी होगा। तो हम इसे इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा लेग है उसे एक बार फोल्ड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बच जाएगा उसे हम क्लिपर की मदद से काट कर हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा इतना पार्ट एक्स्ट्रा बच चुका है, इसे हम क्लिपर की मदद से रिमूव कर देते हैं और फिर इसे फोल्ड कर देते हैं। फिर वायर को हमें सीधा कर लेना है और ये हमारे पास कुछ सेल्यू के टुकड़े हैं। तो सेल्यू आपको ले लेना है, इसे स्लिप भी बोलते हैं। तो इस स्लिप को हमें इस तरह से वायर में इंसर्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे दोनों पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल अलग अलग रहेंगे। चूँकि हमें यहाँ पर इस LED का होल्डर नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे सेल्यू का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई होल्डर मिल जाता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सेल्यू मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ये 5 रुपीज़ में आपको 1 मीटर तक मिल जाएगा। तो मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से लगा लिया है। इसी तरह से हम सारे LEDs को कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका जो निगेटिव टर्मिनल था और दूसरे वाले LED का जो एक पार्ट बचा हुआ है, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल बचा हुआ है, उसके साथ हमें इसे जोड़ देना है। तो इसके लिए हम पहले इसके अंदर फिर से एक सेल्यू डालेंगे और उसके बाद उसे हम अपने दूसरे LED में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद वापस यही सेल्यू को हम उस पर कवर के तरह यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरा LED ले लिया है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके साथ सेम प्रोसेस हमें करना है, इसे ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद जो इसकी एक्स्ट्रा लेग होगी उसे कट करके रिमूव कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हम उस पर सेल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है और फिर हम इसे फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद जो इसका सेल्यू हमने वायर में डाला था उसे हम इस पर कवर के तरह यूज़ कर देंगे। तो पूरे LEDs के साथ हमें इसी तरह से प्रोसेस को रिपीट करते जाना है और इस तरह से सीरीज लाइट में टोटल हमें 100 LED लाइट को कनेक्ट कर देना है। आप चाहें तो 50 LED लाइट को या और भी कम ज़्यादा LED लाइट को, 100 से नीचे तक आप कितना भी LED लाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 100 लाइट्स का यूज़ करके एक सीरीज लाइट बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज लाइट का सबसे जो एंड पॉइंट है जहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसे रेड वायर में कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा सीरीज लाइट का एंड पॉइंट है। मैं इसे अपने रेड वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने से पहले मैं इसमें एक स्लीव लगा लेता हूँ और फिर उस स्लीव को मैं यहाँ पे होल्डर के तरह इस पर फिक्स कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस लगभग मैं कंप्लीट कर रखी है। और फिर जो हमारा ये रेड वायर है इसे हमें अपने पूरे चेन लाइट में ट्विस्ट कर देना है। तो ये हमारा एंड पॉइंट लग चुका है। अब ये जो रेड वायर है इसे हम अपने पूरे लाइट में इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे
ताकि हमारे लास्ट में दो एंड पॉइंट्स हमें मिल सके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे आप अपने लूप्स को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वाइट टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक बार जस्ट इसे फोल्ड कर दें, जिससे आपका लूप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ड्यूरेबल हो जाएगा। इसे आप इस तरह से अगर खींचते भी हैं वायर को तो भी ये आसानी से नहीं खुलेगा। मैंने यहाँ पे पूरे वायर को ट्विस्ट कर लिया है और ये हमारी सीरीज लाइट अब कंप्लीट है। पर हम इसे एसी से चलाने वाले हैं, इसीलिए हमें इसमें एक छोटा सा सर्किट लगाना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है एक पॉलिस्टर कैपेसिटर, पीएफबी इसे बोलते हैं। ये 474 k 250 वोल्ट है। आप अलग अलग तरह के पीएफबी ले सकते हैं, जैसे 474 j 250 वोल्ट, 400 वोल्ट और 600 वोल्ट, लेकिन आपको पॉलिस्टर कैपेसिटर 474 ही लेना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉलिस्टर कैपेसिटर में एक 1 मेगा ओम का रेसिस्टेंस लगाएंगे। तो पीएफ में हमें इस तरह से रेसिस्टेंस को लगा लेना है। यहाँ पे मैं इसे सोल्डर कर देता हूँ और सोल्डर करने के बाद जो एक्स्ट्रा लेग है वो हमें कट कर कर रिमूव कर देना है। उसके बाद हम इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। तो इसके लिए हमें 4 IN4007 डायोड्स लेना है और इसकी मदद से हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। यहाँ पे जो ये डायोड है इसका सिल्वर पॉइंट पॉजिटिव होता है और जहाँ पे प्लेन है वो नेगेटिव होता है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें दो पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ लेना है और दो नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ लेना है, और दो जो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पर जाएंगे उन्हें हम एक साथ जोड़ लेंगे। जहाँ पे दो पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहे हैं वो डीसी का प्लस पॉइंट होगा और जहाँ पे दो नेगेटिव टर्मिनल मिल रहे हैं वो डीसी का नेगेटिव पॉइंट होगा और दो पॉइंट्स एसी के लिए हमारा हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर क्विकली बना लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने दो पॉजिटिव दो नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ लिया है। अब इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ लूँगा। तो इस तरह से मैं इसे अब जोड़ लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं सोल्डरिंग करने के बाद मैं यहाँ पे इसे कट कर कर रिमूव कर देता हूँ। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर का एक एसी पॉइंट को हमें पीएफ के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये एक हमारा यहाँ पे ये एसी पॉइंट है और ये दूसरा हमारा एसी पॉइंट है और ये दोनों हमारे पास डीसी पॉइंट है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये दूसरा नेगेटिव है। अब हमें इसमें करना क्या है, एक कैपेसिटर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 10 UF का 250 वोल्ट में कैपेसिटर लिया हुआ है। इस कैपेसिटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक पट्टी बुनी हुई है ये नेगेटिव साइन को डिनोट करती है। तो इसे हमें ब्रिज रेक्टिफायर में नेगेटिव साइड की तरफ लगाना है और दूसरे पॉइंट को हमें पॉजिटिव की तरफ लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लगा लेते हैं। आप अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 15 UF 250 वोल्ट, 18 UF 250 वोल्ट या 22 UF 250 वोल्ट, लेकिन ये आपको 250 वोल्ट के अंतर्गत ही लेना है। अब हम यहाँ पे दो एसी पॉइंट्स पे वायर्स लगा लेते हैं। तो ये दो हमारा एसी पॉइंट है। यहाँ पे मैं इस तरह से एक वायर को सोल्ड कर दूंगा। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमें एसी वायर को लगा लेना है और ये दो जो हमारा पॉइंट्स है वहाँ पे हम राइस लाइट के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर चारों वायर्स को कनेक्ट कर देना है। तो इस सर्किट में मैंने इन चारों वायर्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस सर्किट को एक बार टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो मैंने इसे अब मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और अब मैं यहाँ पे स्विच दे देता हूँ और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है। सारे LEDs बहुत ही अच्छे तरह से ब्लिंक कर रही है। आप इस सर्किट से 100 LED तक का चेन लाइट बना सकते हैं। आप चाहें तो कम LEDs भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इस सर्किट को PVC पाइप से सिक्योर कर दिया है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने का खतरा बिल्कुल भी ना रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये राइस लाइट कैसी लगी है, आप इसे घर पे बनाने वाले हैं कि नहीं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।